नमस्कार, स्वागत है आपका CTD न्यूज में। COVID-19 वैक्सीन की सीमित सप्लाई ने टीकाकरण अभियान को धीमा कर दिया है। यही वजह है कि देश भर में कई लोगों को स्लॉट बुक कराने में परेशानी हो रही है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर आम जनता के बीच कई सवाल हैं, जो लगातार सोशल मीडिया से लेकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पूछे जा रहे हैं। इन सवालों में सबसे ज्यादा ये पूछा जा रहा है, COVID-19 का पहला टीका लगवाने के बाद दूसरे टीके में कितना अंतर होना चाहिए, या पहला टीका लगाने के बाद अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। देश में टीकाकरण की शुरुआत से अब तक 17.7 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाया जा चुका है। इन 17 करोड़ में से 3.9 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। वहीं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी गई शुरुआती जानकारी के अनुसार कोविशील्ड के पहले खुराक के 28 दिनों बाद कोवैक्सीन की दूसरी खुराक दी जानी चाहिए। हालांकि बाद में इस अंतराल को कोविशील्ड के लिए 4 से 8 सप्ताह और कोवैक्सीन के लिए 4 से 6 सप्ताह तक बढ़ाया गया था। अप्रैल में केंद्र ने सलाह दी कि पहले वैक्सीन लेने के 6 से 8 सप्ताह बाद भी दूसरी कोविशील्ड खुराक ली जा सकती है। US सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का सुझाव है कि अगर किसी व्यक्ति को अब तक वैक्सीन नहीं लगी है और वो कोरोना संक्रमित हो गया है तो उसे वैक्सीन लेने से पहले COVID-19 के पॉजिटिव होने के दिन से 90 दिनों तक का इंतजार करना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीता बाल ने कहा कि इस बीमारी से ठीक होने के बाद संक्रमण ट्रिगर इम्यूनिटी कुछ महीनों तक चलने की संभावना है। वैक्सीन लगवाने के पहले रिकवरी के बाद 6 से 8 सप्ताह तक इंतजार करना उचित होगा। वहीं वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर गगनदीप कंग ने कहा कि यूके के डेटा से पता चलता है कि SARS-CoV-2 वायरस के प्राकृतिक संक्रमित होने के बाद शरीर 80% तक इम्यूनिटी जनरेट कर लेता है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के बाद वैक्सीन लगाने के लिए 6 महीने तक इंतजार करना ठीक है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुरूप है, जिन्होंने आंकड़ों की समीक्षा की और कहा कि संक्रमित होने के बाद टीकाकरण के लिए 6 महीने तक इंतजार करना सही है, क्योंकि तब तक शरीर में प्राकृतिक एंटीबॉडीज बनी रहती हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर वी रवि और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस के न्यूरोविरोलॉजी की सेवानिवृत्त प्रोफेसर के अनुसार कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव होने के 8 सप्ताह बाद दूसरी खुराक दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि संक्रमण के बाद शरीर अपने अंदर एंटीबॉडीज जनरेट करता है, जो कि टीका लगाने के समान है। हालांकि दूसरी खुराक लेने से पहले कम से कम 8 सप्ताह तक इंतजार करने की सलाह दी जाती है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें CTD न्यूज़, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।